देखिए मैम, मोदी का तो कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प है ही नहीं। रही जाट बिरादरी की बात, जाट बिरादरी में सबसे बड़ा सम्मान जो मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह को दिया, वो सम्मान आज तक 70 साल हो गए कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने नहीं दिया। नंबर एक तो जाट बिरादरी पूरी खुश है उस सम्मान देने से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाट बिरादरी पूरी मोदी जी के साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब वोट देंगे, चाहे कि कोई भी कैंडिडेट हो, इससे जाट सब खुश हैं। देखिए, इसमें जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, जाट बिरादरी हमेशा मोदी के साथ रहेगी, कोई भी मैटर हो, कोई भी कैंडिडेट हो, सबकी वोट मोदी के नाम से जाओगी। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है। रुड़की के गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर तमाम जो जाट किसान हैं वो मेरे बीच यहां पर मौजूद हैं, और आइए इनसे हम जानते हैं कि इनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या छवि मोदी की इन लोगों के मन में है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगी यहां से आप एक एक करके थोड़ा सा बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, या कोई नाराजगी है या नहीं है, खुश हैं, क्या है? देखिए मैम, मोदी का तो कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प है ही नहीं। रही जाट बिरादरी की बात, जाट बिरादरी में सबसे बड़ा सम्मान जो मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह को दिया, वो सम्मान आज तक 70 साल हो गए कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने नहीं दिया। नंबर एक तो जाट बिरादरी पूरी खुश है उस सम्मान देने से। रही फोगाट की बात, देखो फोगाट हमारी बच्ची है हमें और हमें देश को सम्मानित करती हैं। अगर कहीं ऐसा नहीं, वो जाट बिरादरी को ही सम्मानित, पूरा देश सम्मानित होता है। एक खिलाड़ी अगर कहीं जीत कर आता है और वो मेडल ले कर आता है तो पूरे देश का जो है माथा ऊपर होता है। ठीक है, आप आती हूँ, आप बताइए थोड़ा। अब ये है, सतपाल मलिक जी हैं, सतपाल मलिक जी का है तो थोड़ा सा वो है, अब भाई उनका है, जब तक तो पद था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जाट बिरादरी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाट बिरादरी पूरी मोदी जी के साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब वोट देंगे, चाहे कि कोई भी कैंडिडेट हो, इससे जाट सब खुश हैं। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, इसमें जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, जाट बिरादरी हमेशा मोदी के साथ रहेगी, कोई भी मैटर हो, कोई भी कैंडिडेट हो, सबकी वोट मोदी के नाम से जाओगी। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, आपके मन में क्या छवि है? अभी जाट किसान है, सैनिक भी, आप तो किस तरह से सोचते हैं? देखो, सैनिक का शब्द आपने नहीं लिया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, लेकिन सवाल यह है कि यही प्रधानमंत्री जब थे अपने, उसने पूरे इलाके पूरे को, मतलब एक ही लड़कियाँ हैं वो जाकर उसमें खा रही है, मेरी एक्चुअली मेरी मैसेज गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो मतलब एक ही पूरा खड़े साइड में है, लड़कियाँ उसमें काम करा, ऐसा कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, हाँ। तो आपके मन में किस तरह के विचार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वास्तव में क्या है मैडम, क्योंकि जो जाट समाज है इसके बच्चे किसान भी हैं और सैनिक भी हैं। पहले जब हमारे सैनिक सीमा पर शहीद होते थे तो उनको मान सम्मान नहीं मिलता था इतना, शहादत के बाद। नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनके जो सौभ्य है पूरे राज के सम्मान के साथ उनके घर पहुंचते हैं, गांव पहुंचते हैं, इसलिए भी क्योंकि जो जाट समाज के बच्चे हैं वो सैनिक, खिलाड़ी और किसान तीनों क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। एक और बात बताए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की बात पीएम मोदी ने कही है, तो ये जब आप लोगों ने सुना तो क्या लगा आपको, मतलब ये बेहतर एक फैसला लिया पीएम मोदी ने? जब इतना अच्छा फैसला लिया, हमने अपने गांव में खूब लड्डू मंगवाए, लड्डू बांटे, पड़ोस में लड्डू बांटे हैं, और बहुत अच्छा फैसला किया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, इसलिए जाट 95% इनके साथ हैं। अब साथ 95%। एक चौधरी चरण सिंह जाटों के ही नेता नहीं थे, वो सभी बिरादरी के नेता थे और वे सभी का सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कोई जाटों के नेता थे, ठीक है जाट बिरादरी से थे, बाकी में सम्मान सब बिरादरी का करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उन्हें जो है भारत रत्न जो मिला है उसके लिए पूरा देश खुश है, पूरा देश खुश है, और पूरे देश के लिए एक सिर्फ कमल का निशान जो मोदी ने दे रखा है वो कमल का निशान ही टारगेट है, और कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, आप भी जाट किसान हैं, आप बताइए आप खुश हैं ये जो सम्मान देने की बात कही थी जब पीएम मोदी? प्रधान आप प्रधान बहुत बहुत खुश है।
बहुत बहुत खुश हैं। ठीक है, यहाँ भी आप सभी लोग खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी, खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब खुश है ना हो, लेकिन वोट तो मोदी पे जाए, इनको तो यही कहना है। नारा लगा दो, जोरदार नारा। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक ठीक, तो ये तमाम जाट किसान हैं जिसके जिनके मन में क्या कुछ है आपने यहाँ पर सुना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इनके मन में क्या कुछ है तो आपने देखा भी है कि काफी खुश हैं। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान जो यहाँ पे दिया गया उससे भी ज्यादा ये खुश तमाम जो जाट किसान हैं वो नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।